जनवल्लभ गिरिवर धारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा गाओ गाओ सभी साथ से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Madhava. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha पाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जनताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण
तो हम लोग का बहुत सौभाग्य बात है। तो प्रभु जी आप लोग सब शायद यूट्यूब पे देखे होंगे, क्या नाम है प्रभु जी का? रंजीत ठीक है। तो प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी 1996 और घूमते रहते प्रचार के उद्देश्य में। तो हम लोग और एक बार हरि बोल बोल के प्रभु जी को स्वागत हरे कृष्ण। ओके तो थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट कि थोड़ा आगे आगे आ जाइए, इधर से भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि लेट वाले पीछे आए। बिना ट्राइपॉड को डिस्टर्ब किए आगे आ जाइए, ये कलयुग का त्रिदंड है। ओके डन। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप में से किसी का मोबाइल फोन ऑन है तो एक बार देख लीजिए साइलेंट है या नहीं है, क्योंकि क्लास के बीच में बजेगा ना। हमने द्वारका में रूल बनाया हुआ है, क्लास में जिसका फोन बजता है हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उससे हम फिर 1100 रुपीज डोनेशन लेते हैं मंदिर के लिए। बहुत प्रसन्नता होती है, जितने फोन बजते हैं हमारा हृदय खुशी से बढ़ रहा होता है, हम चाहते हैं बजे। तो अब यहाँ का तो देखो मंदिर बना पड़ा है, तो कोई सेंटर वेंटर बनवाएंगे फिर इस डोनेशन से। ठीक है, तो एक बार प्लीज फोन चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे थोड़ा सुनना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। प्रभुपा जी का प्रणाम करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी बोलिए हरे कृष्णा। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं अपने शास्त्रों में श्रद्धा को बहुत इंपॉर्टेंस देके गए हैं, फेथ को। आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप में श्रद्धा है भगवान को लेकर, कहते हैं हाँ है। आप में से किस किस के अंदर श्रद्धा है भगवान पर? ओके, सबके अंदर है। कुछ लोग हाथ खड़ा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि दूसरा प्रश्न कभी कभी ज्यादा मुश्किल आ जाता है। कहते तो जो श्रद्धा है तो थोड़ा श्रद्धा टेस्ट कर लेते हैं इनकी। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं श्रद्धा वन जन होए भक्ति अधिकारी। कह रहे भक्ति पे अधिकार किसका, राइट किसका है? कह रहे जिसके अंदर श्रद्धा है उसका भक्ति पे राइट है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसका भक्ति पे अधिकार नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज है जो होनी ही चाहिए ना। श्रद्धा, श्रद्धा होती है तो फिर साधु संग करता है व्यक्ति, फिर भजन क्रिया होती है और भजन करने से अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा होती है, रुचि हो सकती होती है, आसक्ति आती है, भाव आता है, प्रेम आता है। लेकिन शुरुआत इन सब की कहां से होती है? श्रद्धा। तो श्रद्धा को हम ये कह सकते हैं कि प्रेम की जो शुरुआत है, जो बिगनिंग है, वो क्या है? श्रद्धा है। मतलब अगर किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है तो उसके अंदर प्रेम हो ही नहीं सकता भगवान के प्रति। इसलिए नित्यानंद प्रभु के भजन में हम गाते हैं
कि जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। नित्यानंद प्रभु अगर किसी पे कृपा करते हैं, उसकी जाति नहीं देखते, उसकी विद्या नहीं देखते, कितना पैसा है उसके पास नहीं देखते, कितना बल है नहीं देखते। बोला फिर क्राइटेरिया क्या है? बोला श्रद्धा मात्र लोई देन परम आनंदा। चेक करते हैं, अच्छा श्रद्धा कितनी है? अच्छा 2 किलो श्रद्धा है, चलो 2 किलो प्रेम दो। 5 किलो श्रद्धा, चलो 5 किलो प्रेम दो। तो जितनी हमारी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से हमें प्रेम देते हैं। जाति नहीं देखते, विद्या नहीं देखते, धन नहीं देखते, बल नहीं देखते। अगर हम संसार में देखेंगे तो हमें जज किया जाता है इन 4 चीजों पे। जाति देखते हैं लोग, विद्या देखते हैं, बात करते कितना एजुकेटेड है, इंग्लिश बोल सकता है, धन देखते हैं पैसा कितना है। किसी मित्र के पास पैसा ज्यादा आ जाए तो मां कहती है उससे बना के रखा कर, उससे दोस्ती किया कर, दोस्ती खराब मत कर, क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा और बल, स्ट्रॉन्ग। लोग स्ट्रॉन्ग के हमेशा साथ रहना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बुरी परिस्थिति में ये हमारे काम आएंगे। तो अब देखिए ये 4 कंसिडरेशन ऐसी है जिसके हिसाब से बाहर भौतिक संसार में लोगों को चेक किया जाता है, जज किया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल टर्म्स में इन चीजों को कंसिडरेशन नहीं दिया जाता ना, इंपॉर्टेंस तबज्जो नहीं दिया जाता। इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? श्रद्धा को। कितनी श्रद्धा है, कितना फेथ है इनका भगवान के प्रति। और आप सबने भी हाथ खड़ा किया कि हाँ हमारी श्रद्धा है भगवान में, लेकिन हमारी जो श्रद्धा होती है वो कोमल श्रद्धा होती है। जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा छुई मुई का, देखा, टच मी नॉट, उसको जैसे ही छूते हैं वो क्या होता है? बंद हो जाता है। हमारी श्रद्धा बिल्कुल वैसी होती है। हम भक्तों के बीच में आते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर बहुत श्रद्धा है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बहुत श्रद्धा दिखाते हैं हम लोग। किसी भक्त ने कुछ बोल दिया, किसी ने डांट दिया, कभी हमारी मर्जी का जो काम होना था वो नहीं हुआ, हमारे अलावा किसी और की बात मान ली गई, इन सब परिस्थितियों में क्या होता है? हमारी श्रद्धा के चीथड़े उड़ जाते हैं। कहते श्रद्धा वो क्या होती है? तो पहले हमें लगता था हमें बहुत श्रद्धा है, लेकिन एकदम से श्रद्धा क्या हो गई? उड़ गई। ऐसे एक बार एक साधु महात्मा कथा करने के लिए एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है, जैसे क्लासेस का अरेंजमेंट होता है ना, तो क्लासेस का अरेंजमेंट ऐसा ही होता है कि जो एंट्री गेट है वहां से प्रवेश करें तो बाकी सबकी पीठ हो, ताकि जब कोई प्रवेश करे तो लोग मुड़ मुड़ के ना देखें। अभी देखिए कोई भी घुसता है तो हम क्या करते हैं? पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कहीं कृष्ण तो नहीं आए। इससे पता लगता है कि हम कितने फ्लिकरी माइंड हैं। चंचल मन को कैसे गेस कर सकते हैं? सिर्फ ये देखने मात्र से। जो सच में अच्छा है वो कथा सुनते समय उसको किसी से मतलब है नहीं। अगर आपको कहीं से नेक्टर मिल रहा हो, आप और कहीं जाना ही नहीं चाहोगे, इसका मतलब आपको नेक्टर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप सूखे हुए हैं। नेक्टर मिल रहा हो तो व्यक्ति क्यों चाहेगा? इसलिए क्लासेस में हमने सुना होगा लोग क्या कहते हैं, उत्कंठा से सुनो। उत्कंठा का मतलब पता क्या होता है? उत्कंठा, कंठ को ऐसे रख के ऐसे श्रवण किया जाता है। सिर्फ कानों से नहीं किया जाता, आंखों से भी किया जाता है। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने लेक्चर ले रहा हूं, मैं आप लोगों की तरफ देख के लेक्चर दे रहा हूं, अच्छा लग रहा ना? अब मान लो मैं ऐसे लेक्चर दूं, सब समझ आ रहा है ना? सोचो, आप इमेजिन करके देखो वक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या हालत होती होगी। कहते हैं इसकी तरफ, अरे क्या देखूं इसकी तरफ, ये सुन नहीं रहा, ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है ना। इसलिए हियरिंग इज एन आर्ट, श्रवण करना एक कला है। श्रवण करते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कोई डिस्टर्बेंस का सिर्फ एक ही मतलब है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आज जब कथा के बीच में किसी को बोलते ना चुप रहो, फोन बंद रहना चाहिए, बातें मत करो, बच्चे संभालो, लोग ना नेगेटिव हो जाते हैं चीजों को लेकर। अच्छा आपका बच्चा जब स्कूल में जाएगा वो बातें कर सकता है क्लास में? एक बार टीचर बोलेगी, 2 बार करेक्शन देगी, 3री बार करेक्शन देगी, 4थी बार बाहर निकाल देगी। अगर कंटिन्यू रखेगा अपनी हैबिट तो उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, बोले ले जाओ अपने बच्चे को, नहीं चाहिए। क्योंकि सुनने के लिए अटेंटिवनेस जरूरी है।
जब हम पढ़ाई के लिए जाते हैं हमने एक वर्ड सुना होगा पिन ड्रॉप साइलेंस। कथा सुनते समय ऐसा होना चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस, तब चीजें ना समझ आती है। क्योंकि हम देखो कलयुग के लोग हैं, हैं या नहीं है गारंटी ना, तो कलयुग के लोग हैं इसका मतलब हमारी हालत तो बड़ी जर्जर हालत है, हमारे लोहे पर जंग लगा हुआ है। हालांकि लोहा चुंबक के प्रति स्वतः आकर्षित हो जाता है, जीव को कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे लोहे के ऊपर इतना जंग लगा हुआ है कि कृष्ण जैसे सर्व आकर्षक भी हैं तब भी हम चिपक नहीं रहे। तो इसलिए हियरिंग इज एन आर्ट। हमें लगता है कि हम सिर्फ यहां पर बैठ गए तो हम सुन रहे हैं, जैसे बच्चे जब क्लास में बैठते हैं ना, ये बच्चे कुछ भी क्यों नहीं करते, जितना मन चंचल होता है बच्चे उतना चंचल दिखाते हैं। अगर मन चंचल हो रहा है ना उनका, भागेंगे दौड़ेंगे सेल्फ पर चलेंगे, कबर्ड खोलेंगे, कबर्ड के अंदर बंद कर लेंगे, बेड के नीचे घुसेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं ना हम हिपोक्रेट हो जाते हैं, हम क्लास में तो ऐसे बैठते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे सब अंदर ही जा रहे हैं, सर ऐसे लाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता एकदम डब्बा गोल होता है कुछ समझ नहीं आता भाई, ऐसे ये ऐसे चलता है, एक्सरसाइज होती है ये, गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या फिर ये हूं का कल्चर ये भुवनेश्वर से शुरू हुआ था। शिवजी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। अब जो तोता ऊपर बैठ के शुका सुन रहा है, जिसको एनर्जी मिल रही है, भाई अगर उस समय इस्कॉन टेंपल होते तो तोते को पता होता 8 बजे इस्कॉन पहुंच जाना है, और शाम को भगवद गीता सुनने के लिए 8 बजे पहुंच जाना है। तब इस्कॉन टेंपल तो थे नहीं, पहले भटक रहे थे, अब कथा सुनने के लिए मिली और मैया सो गई। तो शुका ने क्या शुरू किया ऊपर से, तो अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वे चलो ठीक है फिर वहीं के प्रतिनिधि हैं। हूं करना किसको अलाउड है, बोलो भुवनेश्वर वालों को अलाउड है क्योंकि ये तो आपका कल्चर है, इससे तो कथा शुरू हुई, अगर हूं नहीं करते तो कथा हो ही नहीं पाती। बट द पॉइंट इज, एसेंस समझिए कि हियरिंग करते समय ना कनेक्ट करना जरूरी है। हमारा हियरिंग होता है माइनस कृष्णा। जीव गोस्वामी कहते हैं सुनना कैसे चाहिए, कह रहे सुनना आर्ट कैसे है, कैसे जैसे गाय है जिसके थन दूध से भरे हुए हैं और बछड़ा उसका भूखा है, तो बछड़े का ध्यान कहां होता है, थन की तरफ। मां जहां जहां चलती रहती है बच्चा पीछे पीछे चलता रहता है, ध्यान कहां रहता है, ऊपर। अगर बछड़े का ध्यान घास की तरफ चले गया, बाकी बछड़ों की तरफ चले गया, तो मां चले जाएगी, तो मां और उसका कनेक्शन टूट जाएगा। वैसे ही हियरिंग करते समय अगर हम थोड़ी देर के लिए भी फिकल माइंडेड हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भी हमारा मन इधर उधर भागता है, हमारा जो कनेक्शन है कथा से टूट चुका होता है। अब वो क्या कनेक्टिविटी बन रही थी समझ नहीं आता। इसलिए श्रवण के साथ साथ एक और चीज करनी चाहिए, मनन, थिंक ओवर इट। देखो कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, काम करते करते मनन करता है, कहते इतना लगाया था, इतना मिल गया, इतना लगाऊंगा। काम कर रहा है, पैसे गिन रहा है, नोट की गड्डी गिन रहा है, मुस्कुरा भी रहा है साथ साथ में, और साथ साथ में अगली योजनाएं मनन भी कर रहा है, क्योंकि जानता है कि अभी मनन नहीं किया तो घर जाके नहीं होगा। इसलिए सुनते सुनते एक्टिविटी देनी होती है अपने आप को, मनन। जैसे गाय खाती है, खाने के बाद अंदर नहीं लेके जाती, जुगाली करती है। ये जो जुगाली करना है ये क्या है, ये जुगाली करना है मनन, उसके बाद गाय अंदर लेके जाती है, इसे कहते हैं निधिध्यासन। इस निधिध्यासन का मतलब अब इसे अपने जीवन में उतारना। तो श्रद्धा जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर किसी को बोलते हो माता जी आप में श्रद्धा नहीं है, तो उनको इंसल्टिंग लगता है, लेकिन बिहेवियर और जेस्चर्स क्या बताते हैं कि इनमें श्रद्धा है नहीं, क्योंकि श्रद्धा के तरीके है ना। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है,
ये बात करने से पहले मैंने कहां पर एंड किया था? ये तो सारे पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स आप लोग सब ठीक बता रहे हैं, वेरी हैप्पी। ओके, ये तो हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक है। लेकिन हमने पॉइंट एंड कहाँ किया था, कहाँ से हमने ये बीच में इसमें कहाँ घुस गए थे हम लोग? एक कथा, यस, उत्कंठा नहीं, एक कथा हो रही थी, एक कथा चल रही थी जहां पे साधु महात्मा पहुंचते हैं और क्या देखते हैं, पंडाल पूरा भरा हुआ है भक्तों से, जैसे हॉल भरा हुआ है भक्तों से, वैसे ही पहुंचे और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप में से भगवान में श्रद्धा कौन कौन रखते हैं? अब गांव के श्रद्धालु लोग थे, सरल लोग, सबने हाथ खड़ा किया, हम श्रद्धा रखते हैं भगवान में। साधु कहते हैं, जब आप सबकी भगवान में श्रद्धा है ही, तो मैं बता के क्या करूंगा, मैं जा रहा हूं। फिर वो स्टेज से उतर के चले गए। ऑर्गेनाइज करने वाला सोचने लगा, इतना पैसा लगाया मैंने, महात्मा जी चले गए, दिक्कत हो गई। तो उन्होंने खुद महात्मा जी के पीछे भागते भागते गए रिक्वेस्ट करने के लिए कि आइए, आप दोबारा आइए प्लीज। और एक व्यक्ति ने स्टेज पे चल के अनाउंस किया कि अगर अब पूछते हैं महात्मा जी की किस किस में श्रद्धा है, तो कोई हाथ मत खड़ा करना, ठीक है। तो महात्मा जी स्टेज पे चढ़े, फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बोला आप में से भगवान में श्रद्धा किस किस की है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। साधु कहते हैं, जब आपकी भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, तो मैं बोलकर क्या करूंगा? वो उतर के फिर चले गए। ये ऑर्गेनाइजर फिर परेशान, ये फिर भागा उनके पीछे, महात्मा जी के पीछे। और जो उसका असिस्टेंट था, वो स्टेज पे चढ़ा, बोला अब की बार आधे हाथ खड़ा करना, आधे हाथ खड़ा मत करना। कहते चलेगा। तो महात्मा जी स्टेज के ऊपर इसी बार चढ़े, पूछे आप में से भगवान में श्रद्धा कौन कौन रखते हैं? आधो ने हाथ खड़ा किया, आधो ने नहीं खड़ा किया। कहते ठीक है, जो आधे भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वो उन आधों को बता दो जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, मैं तो जा रहा हूं। अब ये मैं पॉइंट पता क्यों बोल रहा हूं, ऐसी श्रद्धा हमारी है नहीं है, है नहीं है, कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल कंफ्यूज है। हमारी भगवान में श्रद्धा पता कैसे आती है, टूटती है। जैसे एक व्यक्ति बहुत प्यासा था, और इतना प्यासा था, उसने प्यास में गर्मी में तड़प रहा था, उसने देखा एक घर है, उसने घर पे दरवाजा खटखटाया, एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, बोला हां जी बताइए क्या हुआ? बोला बहुत प्यास लग रही है, मैं मर रहा हूं प्यास से, आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? कहते दो मिनट रुकिए, लेके आया। तो उसने दरवाजा बंद किया, अंदर पानी लेने के लिए गया, और ये व्यक्ति अंदर से सोचने लगा कि यार कितना बढ़िया व्यक्ति है, एक बारी में मान गया, कितना सहायता करने वाला है, कितना दयालु व्यक्ति है। दो मिनट हो गए, पांच मिनट हो गए, दस मिनट हो गए, पंद्रह मिनट हो गए, वो आया ही नहीं। अब ये व्यक्ति सोच रहा है, कह रहा बड़ा घटिया नीच व्यक्ति है, हैं? अबे नहीं देना था पानी, बोल दे नहीं देना, इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहा है, इतना मेरा समय लगा दिया, मैं प्यास से मर रहा हूं एक तो, और इतने एक एक ग्लास पानी के लिए, हाँ, पानी बनाने के फैक्ट्री में, इतनी देर में। जब वो ऐसे सोच रहा था ना, तो दरवाजा खुलता है और ये व्यक्ति एक ग्लास और जग लेके आता है, उसके अंदर ये शिकंजी नींबू पानी बना के लाया था। कह रहे भाई साहब, मुझे लगा कि आप इतने प्यास से भटक रहे हैं, पानी से तो प्यास बुझने वाली है नहीं, नींबू पानी पिएंगे ना प्यास बुझ जाएगी। अब ये सोचने लगा कि यार कितना बढ़िया व्यक्ति है, नींबू पानी लेके आया। जैसे ही नींबू पानी ग्लास में डाल के पिया, उसमें चीनी नहीं थी। फिर सोचने लगा, कह रहा कितना घटिया व्यक्ति है ये, अबे नहीं पिलाना था अगर ठीक से नींबू पानी, तो सिर्फ पानी पिला दे। उतनी देर में ये जेब से एक चीनी का पैकेट निकालता है, कह रहा है भाई साहब मेरे को लगा आपको ये शुगर वुगर ना हो, आपको तो पता नहीं कितनी चीनी लेते हो, तो मैं चीनी अलग से लेके आता, कितनी चीनी लेंगे आप?
अब मन में सोचने लगा कितना बढ़िया व्यक्ति है। अभी 5 मिनट के अंदर देखो इसने कितने गिरगिट के रंग बदले हैं। बिल्कुल ऐसी श्रद्धा हमारी भगवान के प्रति होती है। कब होती है, कब जाती है, कब होती है, कब जाती है, कुछ नहीं पता होता। एक साधु नाव पे जा रहे थे और नाव पे जब जा रहे थे तो नाविक भागा भागा आता है और नाविक बोलता है, छोटी नाव थी, नाविक कहता है नाव में पानी भर रहा है, हम डूब जाएंगे, हम कभी भी मर सकते हैं, नाव में पानी भरने लग गया है। जैसे ये सुनते हैं सब लोग डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, हम मर जाएंगे, सब दुखी हो जाते हैं। एक साधु नाव में बैठा था आराम से, ये लोटा इसके पास था कमंडलू, नदी के अंदर से पानी लेता है और नाव में भरने लगता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सब लोग देखते हैं, कहते हैं हमने सुना तो था कि साधु पागल होते हैं, आज देख लिया। एक तो नाव में पहले पानी भर रहा है, ये और भरा जा रहा है। फिर इतनी देर में नाविक भागा भागा आता है। नाविक कहता है कि नाव में पानी भरना बंद हो गया है, अब हम नहीं डूबेंगे, अब हम नहीं मरेंगे। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो साधु था, नाव के अंदर से पानी बाहर डालने लगता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सब कहते हैं ये क्या है, ये पागलपन की भी हद होती है। कहते पूछते इससे क्या दिक्कत क्या है इसको, गए पूछने के लिए, कह रहे मतलब जब पानी भर रहा था नाव में तब आप और डाल रहे थे, अब जब पानी भरना बंद हो गया तो अब आप निकाल रहे हो। कह रहे समझ नहीं पाए साधु महात्मा आप किन बातों को। हम कह रहे मेरी गलती नहीं है, नाविक भागा भागा आया, उसने बोला हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे। मुझे लगा भगवान की इच्छा है कि हम मर जाएं, तो थोड़ी भगवान की सहायता कर देते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। कह रहे फिर ये आए, इन्होंने बोला कि हम मरेंगे नहीं, हम बच गए हैं। मुझे लगा शायद मैं भगवान की प्लानिंग समझ नहीं पाया, या फिर हो सकता भगवान ने अपना इरादा बदल दिया, तो थोड़ी भगवान की सहायता की जाए। तो मैंने अंदर से पानी बाहर डालना शुरू किया। तो एक फेथफुल व्यक्ति हमेशा श्रद्धा रखता है। हमारी स्थिति पता कैसी होती है, हमारे साथ अगर कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान में बड़ी श्रद्धा हो जाती है। पता नहीं अंदर से प्रभु जी, ठाकुर जी हमारे, आहा हा क्या कृपा करते हैं, जगन्नाथ जी आपकी जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, कितने कृपालु। अच्छा हुआ ना, लॉटरी लग गई, बच्चे पास हो गए, है ना, कुछ कोई प्लॉट केस में फंसा हुआ था वो निकल गया, कहीं से पैसा मिल गया, बड़े खुश हो जाते, भगवान की कृपा दिखने लगती है। अच्छा कुछ चले जाता है, हमारी श्रद्धा गायब हो जाती है। जैसे धूप में पानी इवेपोरेट होता है ना, हमारी श्रद्धा इवेपोरेट हो जाती है। कहते अभी तो थी, कहां पड़ी थी, बोला वो तो उड़ गई। तो अच्छे टाइम होते हैं भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, वीक मोमेंट्स में भगवान के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। एक गुरु जी थे, एक दिन उनका शिष्य भागा भागा आया, कहता गुरुदेव एक व्यापारी आके एक गाय दान देके गया, बछड़े के साथ दूध देने वाली गाय, गुरुदेव अभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, हम गाय का दूध पिएंगे, दही खाएंगे, मक्खन खाएंगे, पनीर खाएंगे, हम बहुत कुछ खाएंगे इससे। गुरुदेव कहते चलो ये तो अच्छा हुआ, भीख मांगने का झंझट, भिक्षा का झंझट खत्म, बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद शिष्य फिर भागा भागा गुरु के पास आता है, कहते गुरुदेव जिसने गाय दान दी थी ना, वो पता नहीं क्यों गुस्से में आया था, अपनी गाय जो थी ना वो ले गया। गुरुदेव कहते चलो बड़ा अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट खत्म। अब पॉइंट क्या है इसमें, कुछ अच्छा हुआ तो इसमें किसकी कृपा देखी, भगवान की। कुछ बुरा हुआ तो इसमें किसकी कृपा देखी, भगवान की। क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो अगर आकर चले गई तो मतलब श्रद्धा थी नहीं, श्रद्धा थी नहीं। जैसे आज कोई मर जाता है अगर किसी के घर पे तो लोग रोते हैं, हाय वो नहीं रहे, वो कहाँ चलेगा, अब मेरे बच्चों के लिए चॉकलेट कौन लाएगा, हमारे लिए नए नए कपड़े कौन लाएगा। मतलब अगर चॉकलेट कोई और ले आए, नए नए कपड़े और कोई ले आए, तो वो रिप्लेस हो जाएगा।
तो रो किसके लिए रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए नहीं, चॉकलेट के लिए, कपड़ों के लिए। उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हमारी श्रद्धा बिल्कुल वैसी होती है। तो हम कह तो देते हैं हम बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन वैसे हम अश्रद्धालु हैं। एक पति पत्नी नाव पर जा रहे थे, अभी नई नई शादी हुई थी उनकी, और नाव में सैलाब आने लगा। प्रभु बार बार क्या करना पड़ रहा है इसमें? जूम एक बार सेट करके नहीं बनेगा? हो जाएगा? अच्छा, मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, आप बहुत सुंदर हो, अच्छा ध्यान आपकी तरफ जाए, पर इतना जाए ज्यादा अच्छा नजर ना लग जाए आपको ना। ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो करो ऐसे। तो ये पति पत्नी नाव में थे और नाव में सैलाब आने लगा, और जो नाव था ना बड़ा जहाज, वो ऐसे हिलने लगा और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। सभी लोग भाग रहे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कोई मंत्र जप करने बैठ गए अपने डर के मारे, कांप रहे, किसने रस्सी से बांध लिया, अपने आप को कपड़े से बांध लिया। ये लड़की देख रही है इसका पति एकदम शांत बैठा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं उसको, एकदम मस्त बैठा हुआ है, कूल, कोई डर नहीं। पत्नी कहती है तो कमाल की बात है, जब समुद्र का सैलाब शांत हुआ, जो जहाज था सही से चलने लगा, पत्नी पति के पास जाती है, कहती है जब ऐसा सैलाब आ रहा था, हर कोई इतना डरा हुआ था, इतना व्याकुल था, इतना परेशान था, आप इतने रिलैक्स कैसे थे, इतने कूल कैसे थे? पति ये बात सुनकर कमरे में जाता है और एक तलवार लेके आता है, तलवार को मयान से बाहर निकालता है, तेजी से घुमाता है और लड़की के सर पे लाके रोक देता है। पूछता, डर लग रहा है तुझे? लड़की कहती है, डरने वाली तो बात है वैसे, क्योंकि तलवार बहुत तेज है, दो टुकड़ों में काटा जा सकता है इस तलवार से मुझे, लेकिन क्योंकि ये तलवार आपके हाथ में है और आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मेरे वेलविशर हैं, आप मेरी केयर करने वाले हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा। लड़का कहता है, बिल्कुल उसी तरीके से कृष्ण मेरे वेलविशर हैं, शुभ चिंतक हैं, वो मेरी केयर करते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे भी डर नहीं लग रहा था। सुफीत श्रद्धा, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ लीजिए हमारे भक्ति की मीनार की ग्राउंड फ्लोर है। और अगर आपको इतना नॉलेज हो, अगर वैसे तो आजकल लोग बने बनाए मकानों में जाते हैं, लेकिन अगर किसने अपना घर बनाया हो, उसको पता होता है कि जो नींव है ना, इसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, और जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही बिल्डिंग क्या होगी? मजबूत रहेगी। अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है, कभी भी गिर सकती है। नींव मजबूत होना, फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। और हमारी भक्ति की जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन है श्रद्धा, फेथ। तो एक एक्रोनिम से इस फेथ को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एफ, एफ का मतलब फियरलेस। एक जो भक्त है उसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अगर किसी के अंदर भय है, इसका मतलब उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि भय नहीं होता, क्योंकि भगवान के जो चरण है ये अभय प्रदान करने वाले हैं, और हम भक्तों को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास तो दो अभय हैं, एक अभय प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चरण और एक अभय चरणारविंद भक्ति विदान प्रभुपाद। तो हमारे पास तो दो दो अभय हैं। ऐसे संसार की गर्मी को दूर करने के लिए एसी चाहिए होता है, वैसे इन भौतिक तापों को दूर करने के लिए भी एसी चाहिए, एसी भक्ति विदान स्वामी। ये संसार की गर्मी है ना, तप रही है, जो इससे झुलस रहे हैं हम लोग, चुभ रही है ना, कष्ट कांटे की तरह चुभ रहे हैं, उससे बचाने के लिए हमारे पास आए हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी। इसलिए कई लोग प्रश्न पूछते हैं, कह रहे पूजी अजामिल के जीवन में तो विष्णु दूत आए थे, उनको तो दूसरा मौका मिला था, सेकंड चांस मिला था, अपना क्या, मुझे कब मिलेगा? मिला तो है। श्रील प्रभुपाद जब आए, इस्कॉन के साथ जब हम जुड़े, तो ये हमारा क्या है? सेकंड चांस है, ये दूसरा मौका है।
श्रील प्रभुपाद विष्णुदूत ही तो हैं जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला लक्षण फियरलेस, क्या पहला लक्षण है? फियरलेस, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं। कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको फियरलेस के। जैसे वृंदावन लीला में ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रही हैं और खेलते खेलते ग्वाल बाल देखते हैं कि एक बहुत बड़ी गुफा दिख रही है, तो ग्वाल बाल एक दूसरे की तरफ इशारा करके कहते हैं, देखो कितनी बड़ी गुफा, हमारे ब्रज में इतनी बड़ी गुफा थी हमने कभी नहीं देखी थी, आज हम पहली बार इस गुफा को देख रहे हैं, चलो चलते इस गुफा में। तो मधुमंगल श्रीदाम इत्यादि सब भागने लगे और वो जो उनको लग रहा था ये हाईवे बनाया गया है, वो हाईवे नहीं था, वो अगासुर की जीप थी। और गुफा में जाते हुए ये कह भी रहे कि कितनी स्मेल है यहां पर, ये गुफा है या ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी असुर का मुख हो। और श्री कृष्ण भी दूर से देखकर पहचान लेते हैं कि ये गुफा नहीं है, ये क्या है, असुर का मुख है। और श्री कृष्ण बुला रहे हैं, मत जाओ मत प्रवेश करो, ये गुफा नहीं है, ये असुर का मुख है। ग्वाल बाल सुन रहे हैं लेकिन सुनते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं असुर का मुख भी है तो क्या हुआ, कृष्ण है ना, कृष्ण है ना। पूतना आई उन्होंने बचाया, अघासुर से उन्होंने बचाया, बकासुर से उन्होंने बचाया, इससे भी बचा लेंगे। कोई भय नहीं था, फियरलेस। तभी देखिए जो तपस्वी होते हैं जो जंगल में जाते हैं, आप लोग का इतना एक्सपीरियंस नहीं, हमारा कभी ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस है, कभी कभी ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहां पर ना आसपास बहुत खेत होते हैं। अभी वहां पर अगर छोटे छोटे सेंटर्स और मंदिर भी होते हैं ना, उनके अंदर कीड़े आते हैं। जब जपा करने बैठो ना, सारा ध्यान हरिनाम के प्रति नहीं होता, तो उस समय हम कृष्ण भावनामृत नहीं होते, कीड़ा भावनामृत होते हैं। दिमाग में ये कीड़े का कीड़ा घुस गया होता है। कृष्ण भावनामृत चैंटिंग करें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कीड़ा गांग गया, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे, ये चल रहा होता है। पर तपस्वियों को देखो, जंगल में जाते हैं, भजन करते हैं सालों साल, कोई भय नहीं होता, सर्प का भय नहीं है, शेर चीते का भय नहीं है, कोई डर नहीं लगता उनको ना? क्योंकि जानते हैं कि भगवान है और भगवान रक्षा करेंगे, मेरे हृदय में भी है, सामने वाले के हृदय में भी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहां से बाहर निकल के कहीं जू वगैरह देख के चीते का मुंह फाड़ने लगा, भगवान है तो मेरी रक्षा करेंगे, नहीं, इसको नेगेटिवली नहीं लेना इसको, नहीं नहीं, लोग ना इसको नेगेटिवली भी लेते हैं। एक व्यक्ति ने गलती से भगवत गीता पढ़ ली थी, गलती से मतलब पढ़ ली थी लेकिन श्रद्धा नहीं थी, तो श्रद्धा भी थी लेकिन बड़ी अजीब सी श्रद्धा थी, तो ऐसी श्रद्धा भी हमारे अंदर हो जाती है कभी कभी। तो उसके गांव में बाढ़ आ गई, पानी भरने लगा, कमर तक पानी आ गया और देख रहा सामने से खाली नाव जा रही है, सोच रहे बैठू नहीं बैठू नहीं, भगवान ने भगवत गीता में बोला है रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, जान दिया, बोला भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी बढ़ता 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 यहां तक आ गया, सामने से एक नाव जा रही है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब आ जाओ बैठ जाओ नाव में, नहीं तो डूब जाओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कह रहे नहीं भगवान ने गीता में बोला है भगवान रक्षा करेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, जाओ आप। पानी बढ़ता 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 बढ़ गया, मर गया। अब भगवान के पास पहुंचा, भगवान को कहता है भगवान एक शिकायत है आपसे। भगवान कहते क्या, बोला आपने गीता में बोला कि रक्षा करोगे, की क्यों नहीं। भगवान कहते हैं बेवकूफ, वो खाली नाव किसने भेजी थी, मैंने भेजी थी तेरी रक्षा के लिए, पर जब तूने इग्नोर किया ना, मुझे लगा तू बुद्धिमान नहीं है, ऐसे नहीं समझेगा। फिर मैंने एक नाव के ऊपर कुछ भक्त भेजे जो बुला रहे हैं आ जाओ बैठो नहीं तो डूब जाओगे, तू फिर भी नहीं बैठा तो मर। भगवान तो रक्षा कर रहे हैं, हम समझते ही नहीं। जैसे कोई भक्त भी इनवाइट करते हैं, आप क्लासेस में आइएगा प्लीज, हम वृंदावन जा रहे हैं आप चलिएगा, है ना, हम पूरी जा रहे हैं सभी भक्तों को लेके चलिएगा साथ में, कहते नहीं जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा,
अब भगवान तुझे ईमेल लिखेंगे हैं? भगवान तुझे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन भेजने वाले कि चल ले भाई, अब किसी भक्त के माध्यम से तो करेंगे, कर तो रहे हैं भक्त के माध्यम से, यही तो इनविटेशन होता है, और कौन सा इनविटेशन चाहिए? पता नहीं कौन सा इनविटेशन चाहिए। और बातें हमारी ऐसी, एक व्यक्ति कह रहे हैं देखो एक तो गड़बड़ है भगवान के नियम में। मैंने कहा क्या? कह रहे देखो पूजी, अगर हम कहीं से कुछ उधारी लेते हैं, किसी बैंक से उधार लेके हम घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, अगर हम किश्त नहीं चुका पाते तो बैंक एकदम से नहीं उठाता, नोटिस देता पहले, एक नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, हम बार बार इग्नोर करते हैं, फिर वो घर पे कब्जा कर लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, जो हमने सामान खरीदा उठा के ले जाते हैं। कह रहे ये तरीका गलत नहीं कि एकदम से मृत्यु आ जाती है, भगवान को भी तो कोई नोटिस देना चाहिए, मतलब तीन चार बार मृत्यु आए वो चाह रहे थे, भगवान को कोई नोटिस देना चाहिए। मैंने कहा भगवान भी नोटिस देते हैं। कह रहे कौन सा? मैंने कहा जब पहली बार सफेद बाल हुआ था ना, ये क्या था, क्या था ये? नोटिस था। हाँ निकलो, तैयारी कर लो। पहली बार जब कमर में दर्द हुई थी, आई ये क्या था? नोटिस था, बुढ़ापा आ रहा है। भगवान ने नोटिस तो बहुत सारे भेजे हैं, हमने भगवान के सारे नोटिस क्या किए हैं? इग्नोर किए हैं। यस, तो फेथ के लिए, श्रद्धा के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फियरलेस, एक भक्त को भय नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि रक्षा करने वाले कृष्ण है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, रक्षति इति विश्वासो, उसको विश्वास होता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, शिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छन्ति निगच्छति कौन्ते प्रतिजान ही नमे भक्ता प्रणशति। कह रहे हे कुंती पुत्र, तुम ये ऐलान कर दो। बोला कौन सा ऐलान? सारे ऐलान तो भगवत गीता में आप ही करते आए हो ना, ये ऐलान भी कृष्ण आप ही करो। बोला नहीं, मेरी मार्केट वैल्यू बड़ी खराब है, मैं ऐलान करता हूँ टूट जाता है वो, मैं कोई वचन देता हूँ टूट जाता है वो, तो मेरी मार्केट वैल्यू बहुत खराब है। मैंने बोला अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली पे भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया, मैं अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। बोला मैं हार गया। बोला मेरी मार्केट वैल्यू खराब है, लेकिन एक चीज में मेरी मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है कि मेरा अगर भक्त कोई प्रण ले लेगा उसको मैं जरूर निभाता हूं। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम ये ऐलान करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो डिवोटीज हैं दे आर फियरलेस। लेकिन हम पता कैसे हैं, हमें ना भगवत गीता का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो सबसे पहले याद होता है, लेकिन पूरे जीवन भर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। कौन सा भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है? सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वम, सबको याद है, देखो दैट्स सो नाइस, सबको याद है। हम इस श्लोक में चाहते हैं कि भगवान सारे पापों से मेरा उद्धार कर दे, राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन पहली लाइन नहीं हम करते, कहते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मैं नहीं करूंगा, लेकिन अहम त्वम सर्व पापे भी आप कर दो। यही तो हम भगवान से आते हैं, ये भगवान आप कर दो जो कर लो। लेकिन ये तरीका नहीं है, पहले सर्वधर्मान होगा फिर क्या होगा, पापों से मुक्ति मिलेगी। हमने धर्म तो वहीं अटकाए हुए हैं। ये धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है, ये शरीर से संबंधित धर्म जो हमें भक्ति करने के लिए रोक रहे हैं। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं ये विष्णु है, इसको प्रॉमिस मत करना, सब कुछ छीन लेगा तुम्हारा। ऐसा गुरु जो भगवान की सेवा करने के लिए रोक रहा हो, ऐसे गुरु को त्याग दिया बलि महाराज ने। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को मना कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति नहीं करनी, श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकश्यपु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु नहीं, श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकश्यपु, ऐसे पिता को त्याग दिया। ब्राह्मण पत्नियां जाना चाह रही हैं कृष्ण की सेवा के लिए, उनके लिए प्रसाद ले जाने के लिए, उनको भूख लगी है कृष्ण बलराम को, पति रोक रहे हैं, ऐसे पतियों को त्याग दिया। ये सर्वधर्मान है, ठीक है, क्योंकि जब ये भगवद गीता बोली गई थी ना तब एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और कोई धर्म था नहीं तब,
तो इसलिए ये सर्वधर्मान ये वाला धर्म नहीं है जो अभी हम देख रहे हैं ना। ये शरीर के संबंध पे जो हमने संबंधों में बना रखे थे ड्यूटीज जिम्मेदारी, कस्टमर इज गॉड, ग्राहक ही भगवान है, यानी ग्राहक कौन है बोले भगवान के रूप है, बच्चे भगवान का रूप है, सब भगवान का रूप है, सिर्फ भगवान भगवान का रूप नहीं है पति भगवान का रूप, पत्नी भगवान का रूप, बच्चे भगवान का रूप, भगवान कह रहे मूर्ति बोला नहीं कैसे बेवकूफ लोग हैं। साथ में हम देखो इसमें एक स्टोरी भी सुनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ के जपा क्या करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी आके डांटने लगे, बोला रूप रघुनाथ तुम राधा कुंड के तट पर ऐसे बैठ के जपा मत किया करो। बोला क्यों। बोला राधा कुंड के तट पर कई शेर पानी पीने के लिए भी आते हैं, और मैंने देखा तुम जब जप कर रहे थे पास में ही एक शेर पानी पीने के लिए आया था और श्री कृष्ण को आना पड़ा अपनी छड़ी लेकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए। बोला हम ब्रज में भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा लेने के लिए थोड़ी आए हैं। कुटिया बनाओ और भजन करो, उपन्न मत करो। एक दिन सनातन गोस्वामी दोबारा मिलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, फिर डांटते हैं, कहने रघुनाथ इतनी गर्मी में बैठ के तुम जो जपा करते हो ना ये राधा रानी से नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने देखा कि राधा रानी अपनी चुन्नी से तुम्हें छाएं कर रही थी, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही थी लेकिन राधा रानी का पसीने टपक रहे थे, और राधा रानी ने भी मुझे देखा कि मैंने नोट कर लिया और मुझे देख के मुस्कुराई राधा रानी। हम यहां पर राधा कृष्ण से सेवा लेने के लिए नहीं आए, उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए कुटिया बनाओ और कुटिया बना के भजन करो। तो ये भजन कुटीर सिस्टम शुरू हुआ, नहीं तो इससे पहले हमारे आचार्य कुटिया नहीं बनाते थे, किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर लेते थे, और एक वृक्ष के नीचे भी रोज नहीं बैठते थे, आज इस वृक्ष के नीचे, फिर कल इस वृक्ष के नीचे, फिर उस वृक्ष के नीचे, बदलते रहते थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फियरलेस होना। रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई भय नहीं था क्योंकि वो जानते थे रक्षा कौन कर रहे हैं, कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। मैं भगवान नहीं बोलना चाहिए, भगवान पता कौन बोलते, जो जानते नहीं कौन, कह रहे एक है भगवान, हमें क्या बोलना चाहिए कृष्ण, और जो उड़ीसा के भक्त उनको क्या बोलने चाहिए जगन्नाथ। बोला कौन रक्षा कर रहे हैं जगन्नाथ। तभी पुरी के रिक्शों के पीछे भी लिखा होता है कालिया सभी का हिसाब कर रहा है पता नहीं एक भक्त लेक्चर में बता रहे थे कालिया हिसाब कोरु छू कालिया सभी का हिसाब कर रहा है ना। तो इसलिए हमें तो पता होना चाहिए कि जगन्नाथ है, और जगन्नाथ ऐसे भगवान है जिनकी पूजा हर कोई करता है। हम शरीर से पंजाबी कल्चर से हैं, तो पंजाबी जो होते हैं वो देवी के उपासक होते हैं। मैं बचपन से अपने घर पे एक फोटोग्राफ को साफ कर रहा था, मैं सोचता था ये पिंडियां हैं माँ लक्ष्मी और कौन सी है मैं तो भूल गया, नहीं नहीं पिंडियों में दुर्गा जी नहीं आती, माँ लक्ष्मी सरस्वती माँ काली, ठीक है। तो ये सोच के मैं उनकी उनको लेमिनेशन साफ करता था। जब मैं मंदिर में पहली बार आया इस्कॉन में, मैंने जगन्नाथ जी को देखा, मैंने कहा यही तो है जिनको मैं पिंडियां समझ के पूजा कर रहा था, तो माँ काली कौन है हाँ यस, हर कोई करता है इनकी उपासना। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक है वो भी जगन्नाथ जी की उपासना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो व्हाइट वाले है ना ये कौन है, बलराम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक मानते हैं कि ये शिव है। बोला प्रमाण क्या इसका, बोला इनके पीछे बिमला देवी का मंदिर है ना पार्वती देवी का, बीच वाले जो है ब्रह्मा जी है। बोला प्रमाण क्या है, पीछे सरस्वती देवी का मंदिर है ना, और राइट वाले जो काले वाले कौन है, बोला विष्णु है। प्रमाण क्या है, पीछे माँ लक्ष्मी देवी का मंदिर है ना, तो आगे पति पीछे पत्नियां। मैं मायापुर में था, कुछ डिवोटीज आए मेरे पास, तो कह रहे मुझे रथ यात्रा में जा रहे हैं, तो साथ में ना उनके कुछ मुस्लिम्स भी थे, तो मैंने पूछा ये कौन, कह रहे मुझे ये भी रथ यात्रा में जा रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आप तो मुस्लिम है आप रथ यात्रा में जा रहे हैं, तो कह रहे पूछी ये तो जगन्नाथ है ना, जगत के नाथ है ना, जगत के नाथ मतलब सबके नाथ है ना, और वैसे भी कुरान में क्या कह रहे हैं अल्लाह देखने में काला है, क्या जगन्नाथ से भी ज्यादा कोई काला है
तो इनको अल्लाह मानते हैं, जो बुद्ध की पूजा करने वाले इनको बुद्ध मानते हैं ना, जो क्रिश्चियंस हैं इनको जीसस मानते हैं, गवर्नमेंट इनको एक सिंबल मानती है ना, जिसके कारण लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं उड़ीसा के प्रति, हर कोई पूजा करता है इनकी, हर कोई, देवी के उपासक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक हो, जगन्नाथ जी के उपासक हो, जो रामानंदी वैष्णव इनको राम मानते हैं, मायावादी भी इनको भगवान मानते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि मायावाद के सिद्धांत के अनुसार भगवान के ना हाथ है ना पांव है, और जगन्नाथ के ना हाथ है ना पांव है, तो जिनके पास जगन्नाथ है उनको भगवान शब्द क्यों बोलना है? उनको कभी भी भगवान शब्द बोलना है तो क्या बोलना चाहिए? जगन्नाथ। देखो अगर मैं किसी को नहीं जानता मैं बोलूंगा प्रभु प्रभु प्रभु, है ना, जैसे अगर मैं बोलता तो मैं बोलूंगा नंदलाल प्रभु, नंदलाल प्रभु ना, नंद नंदन प्रभु, है ना, अगर मैं नाम से जानता हूं तो मैं बोलूंगा नंद नंदन प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं। तो लॉर्ड गॉड भगवान ये सब कौन शब्द इस्तेमाल करते हैं? जो जानते नहीं कौन है। एक है भगवान, एक तू ही निरंकार, बाकी सब का आकार, एक भगवान ही जिनका कोई आकार नहीं है, बाकी सबका आकार है, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान भगवान। हमें क्या बोलना चाहिए? कृष्णा जगन्नाथ, है ना, हमें डायरेक्टली बोलना चाहिए। यस, तो फियरलेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एफ स्टैंड फॉर रुक्मिणी जी के चरित्र में देखिए, आप एक बार रुक्मिणी जी का चरित्र देखिए, रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक चाहते हैं इनका विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन भाई रुक्मी चाहता है कि इनका विवाह शिशुपाल के साथ हो। बोला क्यों चाहते हैं इनका विवाह शिशुपाल के साथ हो? बोला क्योंकि शिशुपाल के जो मित्र हैं वो है जरासंध। अगर रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवा दिया तो शादी में जरासंध भी आएगा, जरासंध आएगा तो जरासंध से दोस्ती होगी, इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। तो अपनी बहन का इस्तेमाल कर रहा था शक्तिशाली होने के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में मान लो हम हो कि घर में सब लोग जिनकी चलती है वो अगेंस्ट हो कि ये नहीं करना ये करना है, हम ऐसी परिस्थिति में ना गिवअप कर देते हैं, रोने लग जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। कहते पूछिए देखो देश काल पात्र के हिसाब से ना एडजस्ट करना पड़ता है। रुक्मिणी जी ने बात बोली नहीं, कोई भय नहीं था, तुरंत एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिख रही हैं? पत्र में कृष्ण को इनवाइट कर रही हैं कि आप आओ और मेरा किडनैप करो। ये पहला लव लेटर था। आप लोगों ने सुना होगा इस संसार में होता लव एट फर्स्ट साइट, वो बात अलग है, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट भी होता है तो, बट लव एट फर्स्ट साइट, पहली झलक में देखते ही प्यार हो गया। कृष्ण ने कभी रुक्मिणी जी को नहीं देखा, रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा, केवल उन्होंने सुना था एक दूसरे के बारे में, केवल सुनने मात्र से ही प्रेम करने लगे, जस्ट बाय हियरिंग। और रुक्मिणी जी तुरंत पत्र लिख रही है, और पत्र में क्या, पत्र में एड्रेस करके दे कह रही है कि आप बलराम जी के भाई हैं। कोई पूछे ये शब्द क्यों लिख रही है, बलराम जी के भाई हैं? बोला कहीं मन में अगर कृष्ण के डर आ गया कि इतने योद्धा होंगे वहां पर ना, कैसे करेंगे, तो कृष्ण का उत्साह बढ़ा रही है। बोला बलराम जी के भाइयों डरने की क्या जरूरत है आपको, आओ और मेरा किडनैप करो, कोई भय नहीं। इसलिए जो भक्त है ना, जो भक्ति कर रहे हैं, जो सच में कहते कि मुझ में श्रद्धा है, मुझ में फेथ है, उनके अंदर ये क्वालिटी होनी जरूरी है, फियरलेस। श्री रामचंद्र अंगद को बोल रहे कि अंगद जाओ, कहां जाओ, रावण के महल में जाओ। बोला रावण के महल में जाके क्या करना है, शांति दूत बन के जाना और रावण को समझाना कि आपने गलती की है, अपनी गलती कबूल करो, भगवान रामचंद्र के चरणों को पकड़कर उनसे क्षमा मांगो, वो आपको क्षमा कर देंगे। मौत के मुंह में भेज रहे थे। अच्छा अंगद के अंदर भय था, अंगद बिल्कुल अपने स्टाइल में दीवार टापी, क्योंकि अगर बंदर कहीं जाएगा तो दरवाजा थोड़ी खटखटाएगा, दीवार को लांघ कर आए थे, और जैसे ही अंदर प्रवेश किए लंकावासियों ने देखा बंदर आया, डरने लग गए,
बंदर देख के डर लगे क्योंकि समझ गए कि एक पहले भी बंदर आया था। कौन सा बंदर था वो? बोला ये बंदर सब तहस नहस कर गया था, सोने की लंका स्वर्ण कांति से श्याम कांति की हो गई थी, जला के राख कर दी थी ना। डरने लग गए अंगद को देख के, कहीं वही बंदर तो नहीं है। इसलिए एक भक्त के अंदर कोई भय नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, अमेरिका की कंडीशन देखिए, प्रभुपाद एक तो देखिए, अभी जैसे यहां पर आए ना, दिल्ली में 3 डिग्री टेम्परेचर है। मैं जब यहां पर आया, भक्त ने स्वेटर रख लो, मैंने कहा पता है इतने टेम्परेचर पे तो हम कपड़े निकालते नहीं है। अब सोचिए बंगाल का, उड़ीसा का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ठंड नहीं होती, दिल्ली में कितनी ठंड है, और सोचिए अमेरिका में कितनी ठंड होती है। लोगों ने मना किया कि मत जाओ स्वामी जी, बुढ़ापे में हड्डियां चटक जाएंगी, हड्डियां क्रैक हो जाएंगी, इतनी सर्दी वहां पर होती है, और एक बार सर्दी चढ़ गई, छाती में जम गई, फिर जाने वाली नहीं है। प्रभुपाद जी के अंदर कोई भय नहीं था। जिस जहाज में जा रहे हैं 2 हार्ट अटैक आए, कोई भय नहीं है। सी सिकनेस हो गया, सी सिकनेस एक ऐसी बीमारी है, व्यक्ति को लगता है बस समुद्र में कूद कर जान दे देता हूं पर जी नहीं सकता मैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इतनी परिस्थितियों के बाद हम थोड़ा दुखी होंगे ना, हम बोलेंगे अबे भगवान कहां बता दिया यार, तुम्हारी भक्ति करके ना, मैंने सही सुना था, मैंने तुम्हारी भक्ति करके ना मरता ही है व्यक्ति। तभी जो भक्त IVF में जुड़ते हैं, तो पहले हमने IVF की शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, आई मतलब मैं, वाई मतलब क्यों, F मतलब फंस गया, तो क्या बन गया, मैं क्यों फंस गया, है ना। तो लोगों को लगता है मैं क्यों फंस गया, मैं कहां फंस गया। ये प्रभुपाद जी के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। प्रभुपाद जी इसके बाद भजन पता क्या लिख रहे हैं, बड़ो कृपा कोइले प्रभु अधम मेरा प्रति, कि हे प्रभु इस अधम के प्रति आपने बहुत कृपा की है। ऐसी परिस्थिति में कोई कृपा देख सकता है? नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसी परिस्थिति में भी क्या देख रहे हैं? कृपा देख रहे हैं। और कृपा का मतलब भी क्लियर है, कर और पा। हम सोचते हैं फोकट में मिल जाएगी, फ्री में कृपा मिल जाएगी, नहीं, करो और पाओ। श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन के इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, यू वर्क हार्ड फॉर कृष्णा एंड कॉन्शियसनेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। आप कृष्ण के लिए मेहनत करो, जो चेतना है वो पीछे पीछे आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी। हम सोचते हैं जब अच्छी चेतना होगी, अच्छा भाव होगा, तब भक्ति करेंगे, तब नाम जप करेंगे, तब सेवा करेंगे। गलत तरीका, आप करो, करने मात्र से आएगी। उत्साह नहीं आ रहा, उत्साहित भक्तों के बीच में आओ, उत्साह से नाचो, तालियां बजाओ, जोर जोर से गाओ, उत्साह आएगा। ठीक है, तो F का मतलब क्या है? F stands for fearless, निर्भीक, कोई भय नहीं। सेकंड है A, A का मतलब adaptive to the situation, परिस्थितियों के साथ व्यक्ति उसको adapt कर लेता है अपनी लाइफ में। जैसे पांडवों की अगर जीवन देखें, तो पांडवों का लाइफ देख के किसी की श्रद्धा बढ़ भी सकती है और किसी की श्रद्धा खत्म भी हो सकती है। श्रद्धा बढ़ कैसे सकती है, ये देखे कि भगवान ने कितनी रक्षा की, पर अधिकांशतः लोगों की श्रद्धा खत्म होती है कि प्रभु जी जब पांडवों के साथ भगवान थे, उनको वनवास कैसे हुआ, क्यों पांडवों की इंसल्ट हुई, क्यों द्रौपदी का चीरहरण हुआ। लेकिन पांडव जब वनवास में भी थे, दे वर वेरी अडैप्टिव टू द सिचुएशन, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पीछे कृष्ण की योजना है, और कृष्ण की योजना है तो मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे आई हैव माई प्लान्स, यू हैव योर प्लान्स, कृष्णा हैज हिज ओन प्लान। मेरे पास मेरी योजनाएं हैं, आपके पास आपकी योजनाएं हैं, कृष्ण के पास उनकी योजनाएं हैं, और किसकी योजनाएं चलेंगी हम सब जानते हैं, लेकिन अपनी योजनाएं बनाने से बाज नहीं आते। हम अपनी योजनाएं बिल्कुल पैरेलल बनाते हैं भगवान के। लेकिन एक भक्त कैसा होता है, फेथ का दूसरा लक्षण है, ही इज अडैप्टिव टू द सिचुएशन। कुछ होता है ना, उसको आते ही उन परिस्थितियों को समझ आता है कि इसमें मेरा कुछ ना कुछ भला तो है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ मेरे बेटर के लिए है। क्योंकि भगवान को कभी कुछ देने के लिए ना कुछ लेना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है ना। इसलिए तो कहते हैं हार के जीतने वाले को नहीं, कृष्ण भक्त कहते हैं, बाजीगर नहीं कहते। ये जो आपका फिल्मी अंदाज है ना,
छोड़ दो ये, हार के जीतने वाले को कृष्ण भक्त कहते हैं। वो जानता है कि परिस्थिति हार जाऊंगा, कृष्ण को जीत जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति किस सेंस की? अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हार गए, लेकिन भगवान के धाम चले गए, तो हारे या जीते? वृत्रासुर इंद्र से लड़ते हुए इंद्र स्वर्ग के राजा बने, वृत्रासुर भगवत धाम चले गए, तो वृत्रासुर हार के हारे या जीते? इसलिए हार के जीतने वाले को, इसलिए भक्त परिस्थितियों के साथ ढल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कृष्ण का कुछ योजना है। तभी नारद मुनि की माता श्री ने जब शरीर छोड़ा, पिताजी ने तो बचपन में छोड़ दिया था, जब माँ ने भी शरीर छोड़ा तो नारद मुनि रोए नहीं, उनका दाह संस्कार किया और निकल गए, फिर कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण की ओर निकल गए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अडैप्टिव टू द सिचुएशन। सो एफ फॉर ए फॉर यस, नेक्स्ट क्या है? आई। आय का मतलब इंस्पिरेशनल या इंस्पायर्ड कह सकते हैं। एक श्रद्धालु डिवोटी इज ऑलवेज इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड रहता है, इंस्पायर्ड रहता है, थका थका नहीं रहता, उदास उदास नहीं रहता। अब सोचो, कोई भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, अ हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। अगर कोई खुश है उससे अच्छा भक्त कोई, उससे अच्छा प्रचारक कोई हो ही नहीं सकता। अब मान लो कोई दुखी है, बोले माता जी माला करो इससे आप खुश हो जाओगे, आप बोले तू तो खुश हो जा पहले। जो आप ही खुश नहीं हो कैसे कर सकता है किसी को? तभी ना आजकल गंभीरता, सीरियसनेस, मैच्योरिटी का मतलब है ग्रेव, एकदम यस ओके नो। मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि मैं कितना गंभीर हूं। केवल आवाज गंभीर नहीं करनी, गंभीरता हृदय की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? हमारी भक्ति है लिप डीप, बस यहीं से भक्ति होनी चाहिए हार्ट डीप। हम हरे कृष्णा भी ऐसे जब कहते हरे कृष्ण। एक व्यक्ति जब करते करते मर गया, उसको यमदूत लेने के लिए आ गए। वो यमदूतों को कह रहे, भाई साहब व्हाट्सएप चेक कीजिए, आप रॉन्ग एड्रेस पे आए हैं। बोले नहीं, आप ही का एड्रेस दिया हमारे को, आप ही को लेना है यहाँ पर। बोले लेकिन मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो हरिनाम जप कर रहा हूँ। कह रहे आपने कभी हरिनाम जप किया ही नहीं, आप माला करते हुए कहते थे शिक्षक हरे हरे, 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 शिक्षक हरे हरे। इसका नाम शिक है, मेरा नाम हरे है। हम दोनों आपको लेने के लिए आए हैं। तो एक भक्त मोटिवेटेड रहता है, इंस्पायर्ड रहता है, दुखी उदास मायूस नहीं रहता। अगर कोई पहले ही फियरलेस है और अडेप्टिव टू द सिचुएशन है, वो दुखी कैसे रह सकता है? वो जानता है कि इसके पीछे कोई योजना है कृष्ण की, मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। वो हो ही नहीं सकता दुखी, हो ही नहीं सकता। उसके दुखी रहने का कारण है कि कृष्ण पे श्रद्धा नहीं है, या हमारी जो श्रद्धा ही कोमल श्रद्धा ये हिल डुल रही है। इसलिए आई मीन्स इंस्पिरेशन, खुद भी इंस्पायर्ड रहता है, दूसरों को भी इंस्पिरेशन देता है। क्या इंस्पिरेशन? डायरेक्शन दिखाता है दुनिया को कि सही रास्ता कहां पर है। एक अच्छा भक्त जीपीएस की तरह है, जो बताता है ये जो आप भौतिक संसार के रास्ते पे निकले ना, रेड लाइन है पूरी, इसमें ट्रैफिक जाम है, फंसे रहोगे यहीं पर, निकलने नहीं वाले। ये ब्लू वाला देखो, कृष्ण की तरफ रास्ता, थोड़ा लंबा है लेकिन क्लियर है। प्रभुपाद जी को किसने बोला कि स्वामी जी दिस स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट? प्रभुपाद ने बोला यस, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। आध्यात्मिक जीवन डिफिकल्ट है लेकिन भौतिक जीवन असंभव है। तो दोनों में से बेटर कौन सा हुआ? डिफिकल्ट, वो असंभव, वो रेड लाइन है। बस एक भक्त जीपीएस की तरह बता रहे हैं, ये भौतिक संसार का रास्ता है, जो अपने खुशियों का रास्ता चुना है ना, इस पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, फंसे रहोगे, कभी नहीं मिलने वाली खुशियां। हमें खुशियां पता कैसी हैं? जैसे कभी गधे से काम करने के लिए ना, कि उसके आगे गाजर बांध देते हैं, गधे को लगता है एक कदम चलूंगा गाजर खा लूंगा, वो एक कदम चलता है गाजर भी एक कदम आगे चली जाती है, फिर वो एक कदम चलता है
गाजर भी एक कदम आगे चली जाती है। यही हालत है, साइंस वाले को लगता है कॉमर्स वाला खुश है, कॉमर्स वाले को लगता है साइंस वाले खुश है, लेकिन दोनों खुश नहीं है। बिजनेसमैन को लगता है जॉब वाले खुश है, कह रहे हैं पर ये सैलरी बंदी होती है, खर्चे पक्के होते हैं, एकदम झंझट नहीं। सैलरी वाले को लगता है कि क्या बॉस की किचकिच सुननी पड़ती है, ये बिजनेस वाले ये खुश है बस। पुरुष को लगता है स्त्री खुश है, स्त्रियों को लगता है पुरुष खुश है, बड़ों को लगता है बच्चे खुश हैं, बच्चों को लगता है बड़े खुश हैं। कोई खुश नहीं है कोई भी। तभी बचपन से एक ना एक अभिलाषा रहती है हर स्टूडेंट की, कबे हबे बोलो से दिन आमर, कब वो दिन आएंगे जब मैं कॉलेज में जाऊंगा, मस्ती करूंगा, इंजॉय करूंगा, कोई स्कूल ड्रेस नहीं, अपने हिसाब से पहनो, घूमो फिरो, नाचो गाओ, मजा आ जाएगा। कॉलेज में जाता है कहता है भाई इतना काम है भाई, ये प्रोजेक्ट बनाओ वो प्रोजेक्ट बनाओ, है ना, फ्यूचर की टेंशन, कंपनी लेगी नहीं लेगी, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, क्योंकि अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी, चिंता ही चिंता। अच्छी छोकरी मिल जाती है कहता है भाई बस बच्चे हो जाए, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, कह रहे बस इनकी शादी कर दें, जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, शादी कर दी, बस पोते का मुंह देख लें, पोता मुंह ना देखना चाहे उनका, पोते नहीं मुंह देखना चाहते थे, इनको मुंह देखना पोते का। हैरानगी की बात, देखो देखो, गुरु की जिम्मेदारी बताई गई है शास्त्रों में, शिष्य की बताई गई है, माता पिता की बताई गई है, बच्चों की बताई गई है, राजा की बताई गई है, प्रजा की बताई गई है, नाना नानी दादा दादी की कोई जिम्मेदारी नहीं बताई गई। नाना नानी दादा दादी बन गए, भजन करो, अब भजन करो, अब निकलो। उम्र ही हमारी बताती है 50 के बाद 51 52, उम्र बता रही है 1, चलो वृंदावन निकलो यहां से। हम फंसे रहेंगे नहीं, असक्त है ना, फंसे रहते हैं। पता धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? धृत मींस अटैच्ड, राष्ट्र मींस राज्य। जो अपने राज्य से बहुत ही असक्त थे वो थे धृतराष्ट्र, अपनी पोजीशन, अपने बच्चे, अपने स्थान से असक्त थे वो थे धृतराष्ट्र। इस संसार में भी हर कोई धृतराष्ट्र है, सब अंधे हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र बता रहे कामांध है, कामनाएं इतनी है ना, अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए। जैसे कभी किसी को अपनी कामनाएं बहुत होती है ना, उसको कोई दिखता नहीं आसपास, कोई नहीं दिखता, कह रहे हैं भाई हम तो अपना फ्यूचर देखते हैं एकदम गोल। ये कंडीशन है। लेकिन एक श्रद्धालु व्यक्ति ही इज इंस्पिरेशनल, वो खुद भी इंस्पायर्ड रहता है और दूसरों को भी क्या देता है? इंस्पिरेशन देता है। सो एफ स्टैंड फॉर फियरलेस, ए फॉर एडेप्टिव टू द सिचुएशन, आई फॉर इंस्पिरेशनल, नेक्स्ट क्या है? टी मतलब टायरलेस। एक भक्त थकता नहीं है कि मैंने बहुत कर लिया, कह रहे मुझे 20 साल भक्ति कर ली, बहुत हो गई, बहुत हो गया। कुछ लोग तो 6 महीने में कहते हैं, कह रहे मुझे 6 महीने से भक्ति कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? हमने सुना था प्रभु जी हरिनाम जप करेंगे रोंगटे खड़े होते हैं, हो ही नहीं रहे, कह रहे हो ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े ही नहीं होते मेरे। बोला कितनी माला करते हो? बोला 2। रोज करते हो? कभी कभी छूट जाती है। अच्छा वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। एक भक्त टायरलेस। एक बार एक ट्रू स्टोरी है, एक जगह पर भक्तों को बंदी बना लिया गया और कोर्ट में लेके आए, पेशी थी उनकी, जज बैठा है, जज पूछता है भक्तों से कि तुम क्या करते हो? बोले 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे तक नहाते हैं, 3:30 बजे मंदिर में आए थे, 3:30 से 4:30 एक घंटा जपा करते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जपा करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ शास्त्र, फिर 8:30 से 7:30 बजे गुरु पूजा करते हैं, 8 बजे भागवत करते हैं, 9:30 बजे थोड़ा प्रसाद पाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाते हैं, 6 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर आने के बाद स्नान करते हैं, फिर हम
गौर आरती अटेंड करते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रसाद पाते हैं, भगवद गीता क्लास सुनते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 3:30 बजे उठते हैं। जज कहता है इससे सजा तो मैं भी नहीं दे सकता, ये पहली सजा जी रहे हैं। ये क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इतना कोई एक दिन में कैसे कर सकता है। कभी भक्तों का कोई स्केड्यूल देख ले, जो गृहस्थ वैष्णव हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, मंदिर भी जाते हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बजा रहे हैं, नाम संकीर्तन बजा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। भक्त टायरलेस होता है, थकता नहीं है, लोग मन से थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की ना आज्ञाओं को सही समझ नहीं पाए होते। एक बार एक व्यक्ति के सपने में भगवान आए, भगवान कहते हैं बेटा एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है, जा उसको धक्का मार, पुश इट। गया पुश करने के लिए, पूरी जान लगाई उसने, बड़ी कोशिश की, 1 इंच छोड़ो, 1 सेंटीमीटर छोड़ो, 1 मिलीमीटर नहीं हिला पत्थर। घर जाके सो गया। अगले दिन फिर आया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल धक्का मारता रहा उस पत्थर को, वो पत्थर 1 मिलीमीटर नहीं हिला। अगले दिन नहीं आया ये, और जब अगले दिन नहीं आया पत्थर को धक्का मारने के लिए, भगवान सपने में आ गए। भगवान कहते क्यों धक्का मारने क्यों नहीं गया? कह रहे भगवान 30 साल से धक्का मार रहा हूं, इतना सा नहीं हिला। भगवान कहते हैं मैंने बोला था हिलेगा। भगवान का आदेश क्या था? हिलेगा बोला था भगवान ने। तो हमारी लाइफ में भी जब सिचुएशन आती है हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, कह रहे मुझे आई गिव अप, आई क्विट, मैं नहीं कर सकता और, मेरे से नहीं होगा, मुझे बहुत हो गया मुझे, अब और नहीं पूछे, और नहीं हो पाएगा मेरे से, अब सर से ऊपर निकल चुका है पानी पे, मुझे थक जाते हैं ऐसे, गिव अप कर देते हैं। अरे जो क्विट कर देता है, गिव अप करता है, वो कैसा भक्त है भाई? एक भक्त कभी टायर नहीं होता, ना मन से ना शरीर से, इज ऑलवेज हेल्थी, इज ऑलवेज हेल्थी। भगवान उस व्यक्ति को यही कहते पुश इट, पुश इट, पुश इट। और हमें भी यही करना चाहिए, जब लाइफ में सिचुएशन आए जो हमें डिस्टर्ब करने वाली हो, जब भगवान से श्रद्धा कमजोर हो रही हो, पुश इट। एंड पुश का मतलब प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेयर्स गोस अप एंड ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और आशीर्वाद नीचे आता है। तो आशीर्वाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। थकने से नहीं होगा, टूटने से, क्विट करने से नहीं होगा। प्रे, अगेन रिवाइज, एफ स्टैंड फॉर फियरलेस, ए फॉर एडेप्टिव टू द सिचुएशन, आई फॉर इंस्पिरेशनल, टी फॉर टायरलेस, एच स्टैंड फॉर हेल्थी माइंडसेट। एक डिवोटी का, एक श्रद्धालु भक्त का माइंडसेट हमेशा हेल्थी रहता है। हमारा माइंडसेट पता कमजोर हो जाता है। हमारा मन कमजोर होने का कारण पता क्या है? हम एक काम करना भूल गए हैं। एक स्टोरी से सुनाता हूं आपको। एक बार दो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स नहीं थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। एक व्यक्ति ने पहला काम करना शुरू किया था, लकड़ियां काटता था, बहुत मेहनत करता था, मतलब उसके एरिया से सिर्फ एक ही चीज की आवाज आती थी, ठक 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 ठक। दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे लकड़ी काटता था। एक दिन उसके कंपनी का जो बॉस था, एक और एम्प्लॉय हायर कर लेता है लकड़ी काटने के लिए, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए थी। और पहले वाले को पता लगता है कि दूसरे वाले की सैलरी इसके बॉस ने बढ़ा दी, लेकिन इसकी नहीं बढ़ा। अब सोचो उसको कैसा लगेगा। इस फीलिंग को तो समझते होगे ना, संसार में हमारे से आगे कोई बढ़ जाए कितना बुरा लगता है ना। जैसे मान लो अगर किसी को पता लगे, जैसे मान लो प्रभु, क्या नाम है आपका? प्रभात। मान लो प्रभात को मैं आपको 1,00,000 रुपए दूं, खुश मत हो, दो ही नहीं रहा तो मुस्कुराने लग गए। मान लो आपको मैं 1,00,000 रुपए दूं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। अच्छा मान लो आपको पता लगे जो आपके राइट हैंड साइड पे बैठे, इनको मैंने 10,00,000 दिए,
और जो आपके लेफ्ट में बैठे उनको भी मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, आपके जो पीछे और आगे बैठे इनको भी मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, अब आपको कैसा लगेगा? खत्म ना 1 लाख का उत्साह सारा। हाँ, तो यही है संसार के लोग, अपने सुख से कोई मतलब नहीं है, आगे कोई कैसे बढ़ गया। एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की, भगवान सामने आ गए, भगवान कहते मांगो वत्स, क्या चाहिए? ये तो पहले से लिस्ट बना के बैठा ही हुआ था, ये कोई ध्रुव महाराज थोड़ी था जो कहेंगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये तो लिस्ट बना के रेडी था, मुंह फाड़ने ही वाला था, बस भगवान बोला रुको 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 रुको, लेकिन एक शर्त है। कह रहे भगवान आप भी शर्त है। क्या? बोला जितना तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना दूंगा। इसका सारा उत्साह ही खत्म हो गया, जो भगवान के दर्शन हो रहे थे भगवान के दर्शन फीके पड़ गए। कह रहे लेकिन क्या करें, भगवान के सामने चलेगी नहीं। भगवान ने बोला अब मांगो। कहता है भगवान बचपन से इच्छा थी एक लग्जरी गाड़ी हो, भगवान कहते तथास्तु, इसको एक मिल गई, पड़ोसी को कितनी मिली? दो। कह रहे भगवान गाड़ी मिल गई है, एक सुंदर सा बंगला ऐसा जो पूरे भुवनेश्वर शहर में कहीं ना हो। भगवान कहते तथास्तु, एक बंगला मिल गया, पड़ोसी को कितने मिले? दो। कह रहे भगवान गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, अब कोई काम करने का स्थान, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री सेटअप वगैरह, भगवान ने उसको एक फैक्ट्री दे दी, पड़ोसी को कितनी मिली? ये सोच रहा है कि मेहनत मैंने की, मजे कौन ले रहा है? पड़ोसी। विचार करने लगा कि क्या करूं। कहता भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, इससे क्या होगा पड़ोसी की? हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है संसार में, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा मेरे से ज्यादा ऊपर निकल गया, ये प्रॉब्लम है। हम तो घर में आराम से बैठे होते हैं, पता लगता है पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीद ली, इस पे कलेश किसके घर पे होता है? खुद के घर पे, क्योंकि गाड़ी किसने खरीद ली? पड़ोसी ने। ऐसा कैसे हो गया, ये आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये जो माइंडसेट है ना, ये हेल्थी माइंडसेट नहीं है। अब इन दोनों लोगों में सेकंड वाले की जो नया आए उसकी सैलरी बढ़ा दी गई, इसकी नहीं बढ़ाई, तो ये मालिक के पास कंप्लेंट लेके गया कि सर आपने ये जो नया आया आपने इसकी सैलरी बढ़ा दी, पर मैं पहले आया था, आपको मेरी बढ़ानी चाहिए थी। वो कहता नहीं नहीं मैंने पुराने और नए के हिसाब से नहीं बढ़ाई सैलरी, वो प्रोडक्शन ज्यादा देता है, लकड़ी ज्यादा काटता है, इसलिए मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई है। कहता ठीक है मैं और मेहनत करूंगा, 10 घंटे की जगह 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे लकड़ी काटने लगा, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन कौन ज्यादा दे रहा था? सेकंड वाला अभी भी प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा है। ये मालिक के पास आता, कहता सर मैं 14 घंटे मेहनत करता हूं, जितना एक इंसान मेहनत कर सकता है मैं उतना मेहनत करता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ज्यादा प्रोडक्शन कैसे दे पा रहा है। मालिक कहता देखो मेरे से मत पूछो, अगर आपको पूछना है प्रश्न तो उसी से पूछो ना जाकर। ये जाता है उसके पास पूछने के लिए, कहता भाई तू इतनी प्रोडक्शन कैसे दे पा रहा है, मैं तो तेरे से ज्यादा मेहनत करता हूं। ये व्यक्ति कहता है तुम यही गलती करते हो, तुम बस लकड़ी काटते रहते हो, काटते रहते हो, काटते रहते हो, काटते रहते हो, काटते रहते हो। कहता है मैं 50 मिनट लकड़ी काटता हूं, 10 मिनट अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूं। इस संसार में हम परेशान क्यों हैं? इसका कारण यही है। हमारा मन इतना फ्लिकरी क्यों है? इसका कारण यही है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि मन पर धार लगानी भूल गए हैं। और मन पर धार लगाने का मतलब है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भाग लेना, कथा सुनना, कीर्तन करना, जपा करना, शास्त्र पढ़ना। जब हम ये कार्य करते हैं इससे हम अपने मन के ऊपर क्या लगाते हैं? धार लगाते हैं। और जब माइंड शार्प होता है तो शार्प माइंड से ही आप इग्नोरेंस को काट सकते हैं, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र ये एक ही धातु के हैं। शस्त्र का काम है काटना और शास्त्र का काम है काटना। शस्त्र से किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को काटा जा सकता है और शास्त्र से अज्ञानता को काटा जा सकता है। इसलिए माइंड का शार्प होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें लगता है कि मंकी माइंड है हमारा, तो मंकी माइंड को शांत करने का तरीका है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। क्योंकि कोई बंदर आपने कभी शांति से बैठा हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन एक बंदर थे जो आराम से बैठ के भजन करते थे, हनुमान जी। क्योंकि क्या करते थे वो? भगवान का नाम जप करते थे। नाम जप करने से ये जो हमारा मन है ये शांत हो जाता है।
इसलिए इस स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी एसेंशियल। तो आज हम गर्व से बोल तो देते हैं हमारी भगवान में श्रद्धा है, है ना, हम नास्तिक नहीं है, वी आर थीस्ट, वी आर नॉट एथीस्ट। अच्छा है बोलने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी जरूरी है ना भाई। ऊपर से भक्त बनना आसान है ना, 10 रुपए का तिलक, 350 रुपए का धोती कुर्ता, 360 रुपए में प्रभु बन गया भक्त। माताएं थोड़ी 100 रुपए महंगी पड़ती होंगी, साड़ी महंगी आ जाती होगी, पर वही 350 से 450 रुपए में बन गए ना भक्त। ये कल्टीवेट करना एक्सटर्नल इजी है, इनर कल्टीवेट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। इसे कहते हैं सिंह अवलोकन। एक शेर जब चलता है तो मुड़ मुड़ के देखता है कितना रास्ता ट्रेवल किया हूं, फिर चलेगा, फिर देखेगा कितना रास्ता ट्रेवल किया हूं। तो हम भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, देखना चाहिए कितना ट्रेवल किया। पहले भी मैं कामुक था, अभी भी मैं कामुक हूं, पहले भी मैं क्रोधी था, अभी भी मैं क्रोधी हूं, पहले भी मेरी नाम में रुचि नहीं थी, अभी रुचि नहीं, तो मैंने ट्रेवल कहां किया, मैं तो वहीं खड़ा हूं। नाव में चप्पू तो चला रहा हूं, लंगर निकालना भूल गया, एंकर तो निकालना पड़ेगा। बिना एंकर निकाले आप चप्पू चलाते जाओ, चलाते चलाओ, नाव कहां पहुंचेगी, वहीं रहेगी। इसलिए 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद हम कहां होते हैं, वहीं होते हैं। इसलिए इनर कल्टीवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में एक स्टोरी से बताऊंगा मैं कंक्लूड, ये एक ट्रू स्टोरी है। एक मेरा फ्रेंड है, वो गार्डनिंग करता था, तो उसने क्या किया, एक जैसे बहुत सारे पेड़ बोए, सब पेड़ एक ही स्पीड से ग्रो कर रहे थे, एक पेड़ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इसने बोला जब सब एक जैसा ग्रो कर रहे हैं, ये क्यों ऊपर ऊपर जा रहा है। एक बड़ा पत्थर लेके आया, उसके ऊपर रख दिया, सब ग्रो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक पेड़ ग्रो नहीं कर रहा, कौन सा, इस पे पत्थर रखा गया, सब बढ़ गए, ये उतना ही रह गया, सब बढ़ गए, ये उतना ही रह गया। एक दिन तूफान आता है वहां पर, सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, एक पेड़ नहीं उखड़ता, कौन सा, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर पत्थर रख दिया था ना, ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहा था, नीचे ग्रो होने लगा, जड़े मजबूत करने लगा। जब जड़े मजबूत होंगी तूफान भी नहीं हिला पाएगा, और जब जड़े मजबूत नहीं होंगी, छोटी सी कोई बात, छोटा सा कोई इंसिडेंट, किसने डांट दिया, किसने बात नहीं मानी, किसने हरे कृष्णा नहीं बोला ना, किसने बदतमीज से बात कर दी, इससे हमारी कृष्ण के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, संस्था के प्रति श्रद्धा सब खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी थी। हमारे मंदिर में एक प्रभु आते हैं, काफी समय से मंदिर नहीं आए। मैंने बोला प्रभु मंदिर नहीं आ रहे, काफी समय से दिखे नहीं। कह रहा मुझे दिल नहीं करता आने का। मैं कहा क्यों, क्या हो गया। कह रहा मुझे लास्ट टाइम आया था ना, मेरे हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया था बाकी भक्तों ने। मैंने कहा इसके लिए आपने कृष्ण को छोड़ दिया, प्रभुपाद जी को छोड़ दिया, हरि नाम छोड़ दिया। मैंने कहा हमारा हेयर स्टाइल का तो कोई मजाक ना उड़ाता। सो द पॉइंट इज, हम कह तो देते हैं हम श्रद्धालु हैं, सिर्फ लिप डीप नहीं रखना, इसे क्या करना है, हार्ट डीप रखना है, ठीक है। इसलिए फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ में एफ स्टैंड फॉर फियरलेस, ए आई इंस्पिरेशनल, टी टायरलेस, एंड एच हेल्थी माइंडसेट। अगर हमारा ऐसा रिस्पॉन्स है ना एक्शंस के प्रति, जो सिचुएशंस के प्रति, ये एक्शन प्रूव करेगा कि हमारी भगवान में श्रद्धा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी श्रद्धा नहीं है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमें अपनी श्रद्धा का टेस्ट रखना चाहिए और अपने आप को प्रगति करवानी चाहिए। इसका मतलब सिचुएशन आएंगी, चेक कीजिए, भय किस चीज का, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, फिर मैं भयभीत क्यों हूं। रिमेंबर कीजिए अंगद को, कोई भय नहीं था उनके अंदर। रिमेंबर कीजिए श्रील प्रभुपाद जी को, कोई भय नहीं था उनके अंदर। इससे पता लगेगा कि आप श्रद्धालु हैं, आप हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं। नहीं भी दिल कर रहा उत्साह का, कहते मुझे जिम जाके ना 100 किलो उठा लूंगा, माला नहीं उठती मेरे से, ये उठ नहीं रही, मुझे बड़ी भारी उठ नहीं रही, मुझे बहुत भारी है। कारण क्या है, इनर वीक हो गए हम लोग। ये माला उठाने के लिए अंदर से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए फेथ, श्रद्धा हमारी इमारत की, भक्ति की इमारत की जो बेसमेंट है, जो फाउंडेशन है, वो श्रद्धा है। इसलिए इन्वेस्ट कहां करना, ज्यादा श्रद्धा पर।
और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जो कंफ्यूज करने वाली है, ऐसी परिस्थितियों में हमें वैसे ही एक्ट करना है जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन कंफ्यूज थे, उनने कृष्ण की शेल्टर ली। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेता। इसके बाद भी कृष्ण ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया, कह रहे यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कह रहे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, गुड हो, अच्छा हो। कॉम्प्रोमाइज करना, ये मत सोचना कि हम दोस्त हैं तो चलो कुछ भी बोल के टाल दिया। पर कृष्ण इसमें भी सोच रहे कि दोस्त है सुनेगा कहां मेरा, इसलिए लास्ट लाइन बोल रहे हैं शिष्यस्ते हम, आई एम योर डिसाइपल, शाधिमाम इंस्ट्रक्ट मी प्रपन्नम आई सरेंडर। तो जब सिचुएशन ये होती है, जब हम भगवान को कहते हैं आई सरेंडर, तो इसका मतलब अब भक्ति की शुरुआत हो गई है। कौन से शब्द से? आई सरेंडर, मैं शरणागत होता हूं। तो फिर अर्जुन कंफ्यूज से शुरू हुए और भगवत गीता का लास्ट श्लोक, नष्ट मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मया च्युता, आपकी कृपा से कृष्णा मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, कोई डाउट नहीं रहा। तो अगर कंफ्यूजन रहेगी, संशय रहेंगे, डाउट रहेंगे, तो भगवान गीता में कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए संशय ना हो तो कृष्ण में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, अटूट श्रद्धा। और वो श्रद्धा रखने का ये क्राइटेरिया है, फियरलेस, अडैप्टिव टू द सिचुएशन, इंस्पिरेशनल, टायरलेस एंड हेल्थी माइंडसेट। अपने आप को चेक करते रहना, मैं कमजोर तो नहीं पड़ रहा इनमें से किसी में भी, बस। और जहां पर लग रहा है कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, बस हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने कृष्ण को अप्रोच किया, हमें भी भक्तों की शरण लेनी है, हरि कथा सुननी है, हरि नाम करने लगना है, शास्त्र पढ़ने लगना है, हमारी प्रॉब्लम चले जाएगी, प्रॉब्लम भाग जाएगी वहां से, ठीक है। तो मेटीरियल प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन मेटीरियल सॉल्यूशन मत ढूंढो, क्योंकि मेटीरियल सॉल्यूशन शब्द गलत है। मेटीरियल सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, हर मेटीरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही होता है, हर मेटीरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही होता है। और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हमें कृष्ण नाम से मिलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद रखिएगा, श्रद्धा वन जन होए भक्ति अधिकारी, अगर भक्ति पे अधिकार चाहिए तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। नित्यानंद प्रभु कोई जाति नहीं देख रहे, कोई विद्या नहीं देख रहे, कोई धन नहीं देख रहे, कोई बल नहीं देख रहे, सिर्फ एक चीज चेक कर रहे हैं, क्या? श्रद्धा। ये कमजोर नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा आके हमारी श्रद्धा को ना हिला पाए, याद रखना, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर हरि प्रेमानंदे, हरे कृष्णा डिवोटीज। थैंक यू। हाथ खड़ा कीजिए। यस।